दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जोजिला पास श्रीनगर ले हाईवे का स्टेटस क्या है और मनाली ले हाईवे पे बारालाचाला पास का स्टेटस क्या है। इस वीडियो में आज की मैं लाइव अपडेट देने वाला, तो इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि एडवाइजरी फिलहाल में क्या दी गई है और करंट स्टेटस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जोजिला पास की, जो कि श्रीनगर ले हाईवे पे है। मेन सोनमार्ग से अराउंड 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ सोनमार्ग चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और सोनमार्ग से ही ट्रैफिक का जो ड्राइवर है, जो कंट्रोल है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज की जो लेटेस्ट एडवाइजरी है, ये जो आप देख रहे हैं, अभी टाइम चेंज कर दिया गया है। कल तक टाइम जो था, टाइम का जो विंडो था, वो 10 बजे से 1 बजे तक अलाउड था, बट आज अभी टाइम चेंज कर दिया गया है। वहां पे 8 बजे से लेके 11 बजे तक की एक विंडो दी गई है ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 बजे तक सोनमार्ग पहुंचते हैं तो आपको एंट्री मिल सकती है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट, कि थोड़ा मुश्किल होगा कि आपको एंट्री मिल पाए। पहले जो टाइम था वो 2 बजे तक का विंडो था, बट अभी उस विंडो को 2 के बजाय 11 बजे तक का किया गया है, क्योंकि इस रूट पे जोजिला पास में कुछ इंसिडेंट हो गए हैं पिछले 3-4 दिन में। एवलैंस आए हैं, स्नो खिसक रहा है, स्नो लाइव स्नोफॉल भी 3 दिन पहले हुआ है और बंद भी था। अभी पास के ट्रैफिक मूवमेंट अलाउड है, एक और कैच है दोस्तों, वन वे ट्रैफिक अलाउड है। वन वे फ्रॉम सोनमार्ग टू द्रास के साइड में जो मीना मार्ग है कारगिल रोड पे, और नेक्स्ट डे अपोजिट डायरेक्शन में लद्दाख वाले साइड से, कारगिल वाले साइड से जोजिला पार करके सोनमार्ग की तरफ आने के लिए है। तो आप इस चीज का बड़ा ध्यान रखें कि आप सोनमार्ग में टाइम से पहुंचे, ये लेटेस्ट एडवाइस। तो दोस्तों, ओवरऑल आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक यहाँ पे जाना है, कुछ प्रिकॉशंस तो आप लेना पड़ेगा। एंटी स्कीड चेन अगर हो सके तो आप अपने साथ में रखिए, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ले मनाली हाईवे पे। ले मनाली हाईवे पे बारालाचाला आज ओपन कर दिया गया है, बट नॉट फॉर द ट्रेवलर्स, नॉट फॉर द टूरिस्ट, बट इट इज ओपन फॉर द आर्मी, आर्मी पर्पज के लिए अभी ओपन हो गया है। यहाँ पे दिन रात पूरा स्नो क्लियरिंग का जो काम है वो चल रहा है, जैसे आप देख भी रहे हैं इस वीडियो में, और स्नो फॉल 2 दिन पहले ही हुआ है। लगातार स्नो क्लियरेंस हो रहा है, सीसू अटल टनल तक यहाँ पे स्नो हुआ है। इस रूट पे अटल टनल पे स्नो हुआ है, लाइव स्नो फॉल हुआ है 2-3 दिन पहले ही, और जिस सीसू में हुआ है, सीसू के बाद बारालाचाला पास तो बिल्कुल हाइट पे होगा, वहां तो डेफिनेटली होना है। और कुछ एवलांसेस वहां पे हो रहे हैं, जो स्नो है वो फिसल रहा है, फिसल के गिर रहा है, तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन भी हो रहा है, कि क्योंकि जोजिला पे 1-2 इंसिडेंट वहां पे हो गए हैं। और दोस्तों, अगर आप शिशु टांडी और आपका जिस्पा दारचा तक अगर जाना चाहते हैं तो इस रूट को आप एक्सेस कर सकते हैं, इस रूट पे कोई इशू नहीं है, पर दारचा के बाद ही बारालाचाला पास है। होप कि अगले 3-4 दिन में, अगले 1 वीक तक टूरिस्ट को भी एटलीस्ट 1 वे के लिए अलाउ किया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है ले जाने वाले टूरिस्ट के लिए, ट्रेवलर्स के लिए। और यहाँ पे दोनों ही रूट पे एक कैच ये है कि अभी दोनों ही रूट पे बाइकर्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। बाइकर्स को अगर जाना है तो किसी भी ट्रक में या किसी और चीज में गाड़ी को लोड करना पड़ेगा, उसके बाद पास को क्रॉस करना पड़ेगा, बट अगर ऐसा किया तो फिर वो एडवेंचर वाला मजा नहीं है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा और बहुत अच्छी न्यूज है बारालाचाला पास वाली। तो और जोजिला पास पे भी सिचुएशन धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, क्लोज नहीं है, ओपन है। एडवाइजरी को फॉलो कीजिएगा दोस्तों, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना आप किस रूट से प्लान कर रहे हो, आप ले पहुंचने के लिए श्रीनगर रूट से जा रहे हो या फिर वाया मनाली जा रहे हो।